so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने जो ईमान में रखे। और थैंक यू, आप लोगों ने मेरा उस सेशन को बहुत पसंद किया था, तो डिमांड आई है कि जी आप हमें हेयर्स के लेवल को लेके भी हमें डिस्कशन करें और हमें बताएं। तो वीडियो क्वालिटी की बात है तो हम कोशिश करते हैं कि हम जो है जो भी वीडियो बनाएं उसकी क्वालिटी अच्छी रखें, लेकिन इंशाल्लाह आने जैसे जैसे आप हमें पसंद करते जाएंगे, सब्सक्राइब करते जाएंगे, तो हम अपने और ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। हमारी कोशिश होती है कि हम जो भी वीडियो बनाएं उसकी क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी को बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई कोताही हो गई हो तो नज़रअंदाज कीजिएगा। तो अच्छा जी, उस दिन का हमारा लेक्चर था पिगमेंट के बारे में, जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया। तो आज हम बात करते हैं जी बालों के बारे में, ठीक है। तो जब तक हम पता नहीं होगा कि बाल क्या है या उसकी कितनी लेयर्स हैं, या हम जब काम कर रहे होते हैं तो बालों का उसमें क्या प्रोसीजर होता है, तो इस काम को हम अच्छी तरह से फिक्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम अपना फिश लेवल अचीव नहीं कर सकते। तो बालों की जो है आज कितनी लेयर्स होती हैं, वो क्या क्या काम करती हैं, हम लोगों को जब कलर कर रहे होते हैं तो बालों के, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी तो बाद में फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो बालों की हमारे पास तीन लेयर होती है, क्यूटिकल, क्यूटिक्स, मेडुला, ठीक है। तो ये तीन लेयर्स पे हम बालों की, इसी तरह स्किन की भी तीन लेयर्स हैं और बालों की भी तीन लेयर्स हैं, ठीक है। तो हमने इन तीन लेयर्स पे काम करना होता है। हाँ जी, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे हेयर्स के तीन पार्ट्स होते हैं, क्यूटिकल, कॉर्टिक्स, मेडुला, ठीक है, मेडुला या मेडुला, ठीक है। तो अब हम आपको, अब इनकी आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको इन सब की डिटेल बताती हूँ। तो पहले हम बात करेंगे क्यूटिकल की। क्यूटिकल के बारे में बात करते हैं। जो क्यूटिकल होती है वो हमारे बालों की सबसे ऊपरली तह होती है, सबसे पहली तह होती है। इसके अंदर भी 12 से 10 लेयर्स होती हैं, और जो है इसमें जो है इस लेयर्स में प्रोटीन होता है। ये शाइनी होती है, जो ग्लोसिंग एंड स्मूथ, यानी कि जब आप देखते हो कि हमारी जो ऊपर की तह होती है जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो चमकती है, ठीक है। तो ये जो है ट्रांसपेरेंट होती है, ये जो हमारी क्यूटिकल की जो लेयर्स होती हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट के बारे में, हमारी है कॉर्टिक्स लेयर की, जो हमारे स्किन की दूसरी, यानी हमारे बालों की दूसरी लेयर होती है। इस लेयर को हमारे बालों का मतलब दिल कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेयर होती है। इसमें इसके दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, इओमेलानिन और जो कि डार्क होते हैं, और पियोमेलानिन जो कि लाइट होते हैं। और इसमें जो है हम लोग अपना केमिकल प्रोसीजर इस लेयर में करते हैं, जो हमारी सेकेंड लेयर है कॉर्टिक्स। करते हैं जी हमारी थर्ड लेयर मेडुला के बारे में। जी ये जो है हमारी सबसे आखिरी लेयर होती है बालों की। ये ज़्यादातर जो ग्रे हेयर कवरेज, यानी कि जिनके ग्रे हेयर होते हैं, ये उनमें पाई जाती है। और ये वेवी बालों से ज़्यादा स्ट्रेट, यानी कि जो वेवी हेयर होते हैं वो मोर देन स्ट्रेट हेयर्स के, ठीक है। जो है इसमें ये जो हमारे जो है ना क्राउन एरिया, यानी कि ये फाउंड सेंटर में, हमारे जो बालों के सेंटर में पाए जाते हैं, और इसका इतना कोई जो है पार्ट नहीं होता, हमारी जो है हेयर्स में इतना कोई इसका पार्ट नहीं होता। तो ये था हमारे तीनों लेयर्स के बारे में इंट्रोडक्शन। तो आई होप कि आपको जो है ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर इसके मुतल्लिक आपको मुझसे कोई सवाल करना है, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। आप मुझे पर्सनल कॉल कीजिएगा, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछेंगे तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।